एक तो विधान से कर्म करे तो स्वर्ग मिले वो तो बेकार है, और एक जो वेद ने रोका वो करे वो तो नरक मिलेगा, पाप है वो भी बेकार है। और फिर वेद के अनुसार कर्म करे और फल की इच्छा न करे, ये तो बड़ा लेबर है। एक तो उसकी नॉलेज इकट्ठा करे, फिर करे और फिर उसके फल की कामना न करे, तो ये तीनों में झगड़े हैं। तो ये भक्ति मार्ग वाला, ये जो रागानुजा भक्ति वाला है, ये कहता है कि देखो हमारे गुरु जी ने बताया है। देखिए ये तीन शब्द हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तीनों का अर्थ समझ लीजिए। कर्म कहते हैं वेद में और स्मृतियों में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये चार आश्रम, इनके लिए जो जो कर्म बताए हैं विधि विधान पूर्वक उनका जो पालन करे वो कर्म है। धर्म संपद्यते षड्वि रधर्मस्तु विपर्यया। भागवत कहती है कि धर्म में कर्म में छह प्रकार के नियम हैं। छह, जैसे यज्ञ करना है तो कहां पर यज्ञ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं भी कर दो, उसके लिए शास्त्र में नियम है, वहीं पर यज्ञ हो सकता है। और किस समय यज्ञ करना है, ऐसा नहीं है जब चाहे तब हवन कर दो, ऐसा नहीं, उसका भी मुहूर्त होता है। नंबर तीन, यज्ञ करने वाला यजमान उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम जिसके लिए हवन दे रहे हैं वो साक्षात हमारे सामने बैठा है। अगर विश्वास नहीं है तो वो पाप हो गया, कर्म नहीं हुआ, धर्म नहीं हुआ। और मंत्र, वेद मंत्रों से यज्ञ होता है और वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, एक स्वर भी गलत हुआ तो यजमान को दंड मिलेगा। और विधि, उसकी विधि होती है, उस विधान से यज्ञ होना चाहिए। तो ये छह प्रकार के नियम अगर कोई ठीक ठीक पालन करे तो उसको कर्म कहते हैं, उसका फल स्वर्ग है। आपको यहां बताया होगा हमारे प्रचारकों ने, वो निंदनीय है, अर्थात इतना तो कठिन नियम है और अगर कर ले तो नक्कल स्वर्ग मिले, तो इसको कर्म कहते हैं। और नंबर दो, वेदों में जो जो निषेध किया गया है, दो प्रकार के वेद में मंत्र हैं, एक विधि
एक निषेध। निषेध माने ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा झूठ मत बोलो, ऐसा। तो जो जो रोका है वेद ने, स्मृति ने, अब उसको कोई करे, नहीं मानते जी हम, तो उसको विकर्म कहते हैं। यानी कर्म का उल्टा विकर्म, वो पाप। जब तक विकर्म की नॉलेज न होगी तब तक कोई बचेगा कैसे? फिर तो सब कोई विकर्म करते रहेंगे और कहेंगे हमको क्या पता है विकर्म क्या होता है। और तीसरा होता है अकर्म। ये क्या होता है? ये होता तो है कर्म, जैसे मैंने बताया, लेकिन वो निष्काम होता है। कोई कामना नहीं, फल की इच्छा नहीं, वो निष्काम भगवान के प्रीत्यर्थ होता है, उसको अकर्म कहते हैं। यानी कर्म तो कर रहा है लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो भगवत प्रीति के लिए कर रहा है, निष्काम है, ये अकर्म है। तो ये तीनों की नॉलेज हो और फिर उसको करें। एक तो विधान से कर्म करे तो स्वर्ग मिले वो तो बेकार है, और एक जो वेद ने रोका वो करे वो तो नरक मिलेगा, पाप है वो भी बेकार है। और फिर वेद के अनुसार कर्म करे और फल की इच्छा न करे, ये तो बड़ा लेबर है। एक तो उसकी नॉलेज इकट्ठा करे, फिर करे और फिर उसके फल की कामना न करे। तो ये तीनों में झगड़े हैं। तो ये भक्ति मार्ग वाला, ये जो रागानुजा भक्ति वाला है, ये कहता है भाई देखो हमारे गुरु जी ने बताया है कि तुम तीनों को समझो ही मत, इसके झगड़े में न पड़ो, बस राधा रानी की शरण में जाओ और उनकी भक्ति बढ़ाओ, कि कर्म विकर्म अकर्म सब खत्म। इनका न तुमको दंड मिलेगा, न इनका फल मिलेगा, अपने आप छुट्टी मिल गई। ये मतलब है कर्म विकर्म अकर्म की विपत्ति अपने आप टल गई। Thank you.